आपका अपना ऑनलाइन न्यूज चैनल TNN उत्तराखंड में, जो रखे आपको आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास रतूर। धनुल्टी में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी रविंद्र जुआर तथा सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। लेकिन तहसील दिवस का प्रचार प्रसार न होने से स्थानीय लोगों को तहसील दिवस की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई, जिससे फरियादी बहुत कम लोग ही पहुँच पाए। स्थानीय सुरेश चौहान का कहना है कि भविष्य में तहसील दिवस का प्रचार प्रसार एक हफ्ते पहले से ही किया जाना चाहिए, ताकि तहसील दिवस में जन प्रतिनिधिगण व स्थानीय लोग अपनी फरियाद लेकर के समय से पहुंच सके। आपको बता दें, आज तहसील दिवस के मौके पर कुल मात्र 7 शिकायतें ही दर्ज हो पाई। दबली धनुटी मोटर मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य के संबंध में जहाँ पिछले 7 सालों से काम नहीं चल पा रहा है, उप जिलाधिकारी ने विभाग को 2 माह के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही धनौल्टी में ATM युक्त बैंक खोलने के संबंध में, बिजली के बिल पिछले 1 साल से न आने के संबंध में और धनौल्टी आलू फार्म के मुखाल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त के संबंध में जैसी शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें ओम प्रकाश उनियाल, रघुवीर ओला कोटी प्रधान, नीरज वैलवाल प्रधान गोठ लाखीराम चमोली, मनोज उनियाल उप प्रधान दवाली क्षेत्र पंचायत से 46, सुरेश चौहान इको सचिव, तपेंद्र बैलवाल, कुलदीप नेगी, देवेंद्र बैलवाल, सुरेश बैलवाल व्यापार मंडल अध्यक्ष, रघुवीर रमोला आदि लोग उपस्थित रहे।